पर आज तक नहीं खिला कमल। सहयोगी की लाज बचा पाएगी अपना दल, जहां कभी टक्कर में भी नहीं रही बीजेपी। 22 में जैकी बचा पाएंगे अपनी विधायकी। जिस सीट पर एसपी बीएसपी में होती है सीधी भिड़ंत, अब की बार कौन जीतेगा जहानाबाद की जंग। जी हां, जहानाबाद यूपी की एक ऐसी विधानसभा सीट जहां बीजेपी के लिए हर बार बड़ी चुनौती रहती है। हर चुनाव में बीजेपी यहां से जीत के लिए काफी मशक्कत करती है, लेकिन बावजूद इसके अब तक इस सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। हालांकि मौजूदा विधायक हैं तो बीजेपी के पुराने नेता ही, मगर वो चुनाव मैदान में उतरे थे अपना दल की टिकट पर। जय कुमार सिंह जैकी जहानाबाद विधानसभा सीट के सिटिंग एमएलए हैं। 2017 में जय कुमार सिंह जैकी अपना दल के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में जय कुमार सिंह जैकी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मदन गोपाल वर्मा को हराकर जीत दर्ज की। जय कुमार सिंह जैकी ने समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा को 47,606 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अपना दल के जय कुमार सिंह को 81,438 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा को 33,832 वोट मिले थे। मदन गोपाल वर्मा तब यहां के सिटिंग विधायक थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार राम नारायण निषाद को 32,010 वोट मिले थे। फतेहपुर जनपद की जहानाबाद विधानसभा सीट पर अपना दल सोनेलाल की ये पहली सफलता थी। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल गठबंधन के तहत बीजेपी के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने पर अपना दल भी सरकार में शामिल हुई। जय कुमार सिंह जैकी को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली। इस वक्त जय कुमार सिंह कारागार लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहानाबाद सीट पर 2017 में न सिर्फ अपना दल को पहली सफलता मिली, बल्कि जय कुमार सिंह जैकी को भी पहली जीत नसीब हुई। इससे पहले वो कई दफे बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा चुके थे। 2002 में जय कुमार सिंह जहानाबाद सीट पर पहली बार बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। 2002 के चुनाव में जय कुमार सिंह को महज 19,008 वोट मिले थे और वे चौथे नंबर पर रहे थे। 2007 में जय कुमार सिंह दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे। इस बार भी जैकी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 17,417 वोट पाकर जय कुमार सिंह 2007 में भी चौथे नंबर पर ही रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सिर्फ जय कुमार सिंह जैकी को ही जहानाबाद में जीत हासिल नहीं हुई या फिर जैकी कभी मुकाबले में नहीं रहे, बल्कि इससे पहले के बीजेपी उम्मीदवार को भी यहां की जनता ने कभी पसंद नहीं किया। पार्टी गठन के बाद 1980 में पहली बार बीजेपी ने जहानाबाद सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा। 1980 में हरिनारायण दुबे उर्फ नंदन बाबू बीजेपी के उम्मीदवार थे, वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें महज 2,637 वोट मिले थे। इसके बाद 1985 में सत्यनारायण अग्निहोत्री को महज 2,093 वोट मिले थे और चौथे नंबर पर रहे। 1989 में अशोक कुमार को तो महज 1,540 लोगों ने ही वोट दिया, जिसकी वजह से वो पांचवें नंबर पर रहे। हालांकि 1991 में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हुआ। श्रीधर शुक्ला 15,436 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। 1993 में विजय सचान 17,795 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। 2002 और 2007 में जय कुमार सिंह जैकी यहां से चुनाव मैदान में थे, लेकिन वे भी खाली हाथी रहे। 2012 में मनोज कुमार शुक्ला को महज 4,271 वोट मिले और वे पांचवें नंबर पर रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहानाबाद सीट पर बीजेपी का जीतना तो दूर, 1991 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पार्टी कभी मुकाबले में भी नहीं रही। चुनावी नतीजे बताते हैं कि इस सीट पर पिछले कई बार से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही सीधी भिड़ंत रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम पटेल भी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। नरेश चंद्र उत्तम पटेल भी कई बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार उन्हें कामयाबी भी मिली है। 1985 में नरेश उत्तम पहली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। 31,496 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। 1989 में जनता दल की टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ने उतरे और कांग्रेस के प्रेम दत्त तिवारी को हराकर पहली बार विधायक बने। 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन महज 9,214 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 1993 और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे। बात अगर जहानाबाद सीट के ओवरऑल चुनावी नतीजों की करें तो इस सीट पर 1974 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के प्रेम दत्त तिवारी ने जीत दर्ज की थी। 1977 में जनता पार्टी के कासिम हसन विधायक बने थे।
1980 में कांग्रेस के जगदीश नारायण यहां से विधानसभा पहुंच चुके हैं। 1985 में कांग्रेस के प्रकाश नारायण विधायक चुने गए थे। 1989 में जनता दल के टिकट पर नरेश चंद्र उत्तम पटेल विधायक बने थे। 1991 में जनता दल के छत्रपाल वर्मा विधायक चुने गए थे। 1993 में जनता दल के ही मदन गोपाल वर्मा विधायक बने थे। 1996 में कासिम हसन ने जीत दर्ज कर यहां बीएसपी का खाता खोला था। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मदन गोपाल वर्मा दूसरी बार विधायक बने। 2007 में बीएसपी के आदित्य पांडे को जीत मिली। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा तीसरी बार विधायक चुने गए और 2017 में अपना दल के जय कुमार सिंह जैकी ने जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजों में एक और दिलचस्प बात है, जहानाबाद विधानसभा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सिटिंग एमएलए अपनी जीत दोहरा पाया हो, यानी कोई भी नेता आज तक इस सीट से लगातार दो बार विधायक नहीं बन पाया है। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जहानाबाद विधानसभा सीट पर कुल 3 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें 1,65,000 के करीब पुरुष और 1,35,000 के करीब महिला वोटर्स हैं। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो ये ब्राह्मण और कुर्मी बाहुल्य सीट है, जिसके चलते ये दोनों जातियों के मतदाता किसी भी प्रत्याशी की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। बहरहाल अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार जहानाबाद सीट पर जय कुमार सिंह जैकी अपनी जीत दोहरा कर इस सीट का इतिहास बदलते हैं या फिर यहां की जनता अपने पुराने धरने पर चलते हुए फिर से किसी नए उम्मीदवार को मौका देती है।